सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वंडरफुल ऑटोमोबाइल्स। तो आ चुके हैं गाइस एक और नई वीडियो के साथ में, और भाई आज आपके लिए बहुत ही तगड़ा अपडेट लेके आए हैं, क्योंकि भाई मारुति सुजुकी भाई एक नया धमाका करने वाला है, वो भी भाई अपनी न्यू मारुति सुजुकी स्विफ्ट के साथ। तो गाइस ये बहुत ही जल्दी भाई स्विफ्ट पे लॉन्च होने वाली है। तो भाई आज के वीडियो में ना बात करने वाले हैं इस गाड़ी के, मतलब जो वेरियंट्स हैं, फीचर्स की, लुक्स की, और लॉन्च की मेनली। भाई लॉन्च की ना बहुत ही भाई जल्दी मतलब लॉन्च गाड़ी का होने वाला है। तो लॉन्च डेट, इंजन स्पेसिफिकेशंस, क्या क्या इंजन स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, इन सभी चीज़ों की भाई बात करने वाले हैं, आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ना गाड़ी की लुक्स देख लेते हैं, कैसी लुक्स हैं। तो गाइज ऐसी कुछ लुक्स हैं, काफ़ी बढ़िया सी लग रही है, मतलब पहले से ना काफ़ी मतलब वाइड सी लग रही है। जैसे पहली वाली स्विफ्ट आपने देखी होगी तो उससे थोड़ी मतलब वाइड लग रही है। और यार लुक्स देखो, काफ़ी बढ़िया सी लुक्स देखने को मिल रही हैं। ऊपर भाई LED जो हैं लाइट्स देखने को मिलती हैं, बीच में भाई सिंगल ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती हैं, नीचे फॉग लैंप्स हैं, बीच में सुजुकी का लोगो है, और नीचे जो है सिल्वर कलर की हमें फिनिश भी जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब ना गाड़ी काफ़ी अच्छी सी लग रही है। और जो टेल मतलब अपनी लाइट्स हैं, हेडलाइट्स, ये भी देखने को मिल जाती हैं LED में, और DRLs का लुक आप देख ही सकते हैं। बाकी यार काफ़ी अच्छा सा लुक है, आपने देख ही लिया है फ्रंट का, एक बार आप लाइट्स का भी चेक कर लो भाई लुक। बाकी गाइज ऐसा कुछ रियल लुक है। और जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना गाड़ी, ये है भाई अपना जापान वाला वेरिएंट है, बट भाई जो लुक्स वगैरह ना मतलब सारा कुछ सेम ही रहने वाला है जो इंडिया में आएगा। और इंडिया में भी भाई लॉन्च बहुत ही जल्दी है, वो तो आगे बात करेंगे ही। बाकी आप चेक करो लुक्स पीछे के, तो भाई अच्छी सी भाई जो टेल लाइट्स हैं वो देखने को मिल जाती हैं, LED में लाइट्स हैं, सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं, पार्किंग और नीचे रिफ्लेक्टर्स का लुक है, ऊपर वाइपर आप देख ही सकते हैं। बाकी भाई रियर लुक भी देख ही लिया है, एक बार फ्रंट दोबारा से देख लो भाई। फ्रंट में एडास भी देखने को मिलेगा इस बार, और पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी गाइस साइड का लुक भी चेकआउट कर लो भाई, साइड का लुक भी मतलब वैसा सा ही रखा गया है, मतलब गाड़ी की ना शेप जो है अभी करंट स्विफ्ट के जैसी ही है, मतलब नई की भी। और साइड का लुक चेकआउट करो, ये ग्लोय टोन कलर में है, और साइड के भाई डोर चेकआउट कर सकते हैं। और इस बार जो डोर हैंडल है ना वो अपना जो डोर में ही आ गया है, पहले ऊपर मिलता था देखने को बट अभी डोर में आ गया है। और जो अलॉय व्हील्स हैं भाई 15 इंचेस के देखने को मिलते हैं, अभी भी भाई 15 इंचेस के ही रखे गए हैं। गाइस अभी क्विकली ना इंटीरियर का भी थोड़ा लुक देख लेते हैं। तो भाई ऐसा कुछ स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलता है, ये करंट स्विफ्ट जैसा ही है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। बाकी भाई इंटीरियर में भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं, नया इंटीरियर देखने को मिलता है ग्रे ब्लैक कलर का, और भाई बीच में 9 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है, नीचे जो है AC वेंट्स के कंट्रोल्स हैं, और ये ऑटोमेटिक AC देखने को मिलता है, ये मतलब आपने बलेनो में देखे ही होंगे। बाकी आप मीटर भी देख सकते हैं, और ऐसा कुछ एक बार दोबारा से लुक आप देख सकते हैं, टच स्क्रीन का और साइड में डैशबोर्ड का, और ये कंप्लीट लुक है थोड़ा वाइड एंगल व्यू में। एक बार गाइस ये चेक करो भाई फ्रंट डोर का लुक कैसा लुक है, ये आप देख सकते हैं, और ये है रियर डोर जो इसका लुक है, आप वो भी देख सकते हैं। अभी भाई मेन बात कर लेते हैं सबसे पहले भाई इंजन स्पेसिफिकेशंस की, क्या स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। तो इसमें भाई एक नया इंजन आने वाला है, वो है भाई मारुति सुजुकी का 1.2 लीटर का न्यू Z सीरीज इंजन। पहले आपने भाई K सीरीज का तो देखा ही होगा, K सीरीज का जो अभी करंट स्विफ्ट में आ रहा है, तो अभी इसमें देखने को मिलेगा Z सीरीज का इंजन। और भाई इसमें भाई एवरेज भी भाई बढ़ने वाली है, जो भाई स्विफ्ट लवर्स को तो पता ही है, क्योंकि भाई एवरेज का नाम ही भाई दूसरा स्विफ्ट है, तो भाई स्विफ्ट में भाई एवरेज तो बहुत तगड़ी मिलने ही वाली है। बाकी अभी बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो भाई 1.2 लीटर का Z सीरीज पेट्रोल इंजन देखने को मिलेगा, इसमें भाई 83 PS का पावर और 108 Nm का टॉर्क जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ा भाई टॉर्क मतलब कम है, जो अभी करंट आती है उसमें भाई 113 Nm का आता है, बट भाई एवरेज भी बढ़ने वाली है, फिर आप देख ही सकते हैं। बाकी भाई मारुति एक बड़ी बहुत ही मतलब बड़ी चीज़ करने जा रहा है, इसका भाई वेट भी जो है ज़्यादा रखा जाएगा, 90 kg अराउंड बढ़ा दिया गया है वेट भी। गाइस हमने भाई इंजन स्पेसिफिकेशंस की तो बात कर ही ली है, लुक्स की भी बात कर ही ली है, अभी बात कर लेते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। तो भाई वेरिएंट्स वही वाले देखने को मिलेंगे, LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस, तो भाई वेरिएंट्स यही देखने को मिलेंगे। और नए फीचर्स की बात करें तो भाई इसमें एडास हमें देखने को मिल जाएगा, 360 कैमरा, 9 इंचेस टच स्क्रीन, क्रूज कंट्रोल, भाई ये तो मतलब देखने को मिल ही जाएंगे, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं बाकी जो देखने को मिल ही जाते हैं। अभी बात कर लेते हैं गाइस लॉन्च गेट की, जो कि भाई बहुत ही बड़ी चीज़ है। तो भाई लॉन्च इस गाड़ी का ना मतलब बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि भाई ये फाइनल जो अपनी टेस्टिंग फेज है उसमें आ चुकी है,
प्रोडक्शन भी भाई मतलब अभी फेब का मतलब आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो भाई 5 फेब के आसपास हो रही है, तो इसकी भी प्रोडक्शन जो है इस मंथ के एंड तक शुरू होने वाली है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि भाई इसका गाड़ी का लॉन्च या एंड फेब में हो सकता है या इस गाड़ी का लॉन्च जो है वो मार्च में किया जाएगा। बाकी भाई इसका लॉन्च भाई बहुत ही जल्दी होने वाला है। अगर भाई ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं यार ज़्यादा कहता नहीं हूँ एंड में ही कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, तो यार कर दिया करो सब्सक्राइब क्योंकि भाई आपके लिए बढ़िया बढ़िया वीडियोस लेके आते हैं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को जल्दी से। और गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।